कॉस्ट अभी तक फुल मैं अभी दिखाता हूँ आपको। आपने वीडियो भी नहीं देखा है इसका मतलब। सर मेरे को ऑफिस में ना जहाँ मैं ज्वाइन किया हुआ 2 महीने हुए, मेरे को बहुत ज्यादा काम लगता है ना। देखिए इसमें क्या था कि कॉक्स इक्वल टू था, हमने बताया था एक कॉक्स इज इक्वल टू होता है आपका इनिशियल इन्वेंट्री, सॉरी इनिशियल इन्वेंट्री प्लस परचेज। परचेज मीन्स परचेज इन्वेंट्री, जो भी आप परचेज कर रहे हैं वो, ठीक है, माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। एक अप्रैल को हमने सेशन स्टार्ट किया, हमारे पास 1000 RM हमारे स्टॉक में थे, ठीक है। अगर प्रोडक्शन करने के लिए हमने 5000 RM परचेज कर लिए। अब इस 6000 टोटल जो हुआ उसमें से हमने सिर्फ 5500 ही कंज्यूम किया, मतलब 500 हमारे पास बचे रह गए नेक्स्ट सेशन के लिए, तो वो एंडिंग इन्वेंट्री हो गया। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कंजम्पशन टोटल कितना हो गया, 5500 कंज्यूम हो गया जो पूरे सेशन में एफजी का प्रोडक्शन किया उसके लिए, तो ये कहलाता है आपका कॉक्स। अब इसका जो टोटल प्राइस होगा 5500 का, वो प्राइस हमारा कॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आरएम का टोटल कंज्यूमशन एक्सपेंस वैल्यू आ गया, ये होता है हमारा कॉक्स। ओके सर, मतलब 45 जो हमने यूज करे 4500 उसकी जो वैल्यू होगी वो कॉक्स होगी 5500, ये आपका 6000 है ना, इसमें से 500 माइनस, ठीक है उसकी जो वैल्यू होगी वो कॉक्स होगी। हाँ, 5500 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्राइस, यूनिट प्राइस, ठीक है। हाँ उसकी प्राइस, हाँ यूनिट प्राइस, मतलब ये तो ईयर के एंड में जब ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे उस टाइम पे एग्जैक्टली हम जो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं अपने यहाँ जो चलता है, जैसे कल्पेश जी बोल रहे थे कि इधर फॉरेन में क्वार्टरली चलता है, लेकिन अपने यहाँ जो चलता है सेशन टू सेशन चलता है, ईयरली चलता है, तो हम लोग ईयरली निकालेंगे। अगर कल्पेश जी निकाल रहे हैं तो वो क्वार्टरली निकालेंगे जब इनका प्रॉफिट एंड लॉस निकल रहा है, ठीक है, तो वो इनका क्लोजिंग होता है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा क्या सेशन चल रहा है। सर मैंने अपनी पता नहीं आपने बताया था कि मैंने पढ़ा है कि कॉक्स वैल्यू उसको बोलते हैं कि परचेज वैल्यू सेल वैल्यू, मतलब सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, जो बीच का रेशियो बचता है उसको कॉक्स बोलते हैं। ना ना यही बोलते हैं, हम आपको गूगल में वेरीफाई करा देते हैं। कोई बात नहीं, ओके सर, ओके आपने बोल दिया, ओके। नहीं नहीं मैंने बोल नहीं दिया भाई, अपने हाथ पे भी विश्वास मत करो जब तक चीजों को देखो, क्योंकि हम लोग क्या है टेक्निकल पर्सन है, टेक्निकल पर्सन जब तक देखे नहीं तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए, समझे, इसीलिए हो गया नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो ओपन किया था गूगल से ही ओपन किया था, ताकि आप लोग इसको, और ये इंटरव्यू में पूछता है, ये ध्यान रखिएगा कॉक्स अकाउंट, ये देखिए स्टार्टिंग इन्वेंटरी परचेज इन करंट पीरियड माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी, है ना। हाँ जी बिल्कुल यही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ये था आज का सेशन, हमारा जीएल अकाउंट डिटरमिनेशन खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें सबसे पहले आएंगे आइटम मास्टर पे, क्योंकि हमारे पास आइटम मास्टर होगा, बीपी मास्टर बन जाएगा, तब हम ट्रांजेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। वन बाय वन ट्रांजेक्शन चलेगा, सेल साइकिल, परचेस साइकिल, प्रोडक्शन, एमआरपी एक्सेट्रा, सारे चीजें, इन्वेंट्री भी उसी में होगा आपका, गुड रिसीव जब ओपनिंग स्टॉक वगैरह डालेंगे। तो सबसे फर्स्ट काम जो अब हमें करना है जीएल अकाउंट डिटरमिनेशन के बाद आइटम मास्टर, लेकिन उससे पहले हमारा अभी जनरल सेटिंग बचा हुआ है, तो टुमारो जो सेशन होगा ओनली फॉर जनरल सेटिंग होगा, हाँ, क्योंकि ये प्राइमरी सेटिंग हो जाए उसके बाद हम आइटम मास्टर पे आएंगे, देन बीपी मास्टर, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आज के लिए मैं सेशन यहीं क्लोज करूंगा, किसी को कुछ पूछना तो बताइए। आशीष जी नहीं, आशीष जी नहीं है, आशीष जी गप कर रहे थे, एक्चुअली वो विलेज में है तो इसीलिए उनको दिक्कत होता है, वजह से हो सकता है। आमिर जी, हाँ सर, कोई इशू ना सर, ना
ठीक है। दिलदार सिंह तो पूछ ही रहे कल पे, आज राम साहब बहुत शांत है यार, मुझे अजीब सा लगता है। I'll ask you a lot of questions tomorrow. Okay, okay. Don't prepare कर दे क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि आप सेशन में है ही नहीं शायद। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आपकी तरफ से जो क्वेश्चन आता है ना, तो मुझे थोड़ा सा और ज्यादा एक्साइटमेंट आता है कि चलो ये चीजें इनकी तरफ से आई है, मैंने बताया है। तो क्वेश्चन जैसे दिलदार पूछ रहे हैं, तो इससे क्या आता है कि सामने वाले को इंटरेस्ट है, वो चीजों को समझ रहा है, तभी वो पूछ रहा है। अगर नहीं क्वेश्चन है तो लगेगा यार कुछ भी ब्लैंक है। Still, मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, बट आई वांटेड टू यू नो रिव्यू दोस एस्पेक्ट इन द डिफरेंट लीग माय सेल्फ, सो पहले मैं देखूंगा देन आई विल आंसर। ओके चलिए, तो फिर आज का सेशन मैं क्लोज करता हूं, ठीक है। ओके ओके सर, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड नाइट।